DPI सेटिंग इन फ्री फायर, जिसने फ्री फायर में आने के बाद हर एक प्लेयर को ड्रैग हेडशॉट एंड वन टैप हेडशॉट का बादशाह बना दिया। लेकिन 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 कुछ बंदे जो ये सोचते हैं कि DPI सेटिंग से मोबाइल खराब होता है, वो प्लेयर अभी भी अच्छे से ड्रैग हेडशॉट एंड वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाते। सो ये सोचना आप जितना जल्दी छोड़ दोगे, आप सब उतना ही जल्दी फास्ट वन टैप हेडशॉट एंड ड्रैग हेडशॉट मारना सीख पाओगे। क्योंकि मैं एक DPI यूजर हूं एंड मुझे पता है कि DPI को कैसे यूज किया जाता है एंड DPI के क्या हार्म्स होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मैं DPI को 2-3 महीने से यूज कर रहा हूं, मैं DPI का यूज लगभग 1.5 साल से कर रहा हूं। एंड आप सब मेरे मोबाइल की परफॉर्मेंस बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल को हमेशा ही हाई ग्राफिक एंड DPI लगा के खेलता हूं, बट मेरा मोबाइल 1.5 साल से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि अगर आप DPI को सही तरीके से यूज करोगे तो आपका मोबाइल कभी भी खराब नहीं होगा एंड DPI को सही तरीके से यूज करने से आप अच्छे से अच्छे हेडशॉट एंड मूवमेंट भी कर सकते हो एंड इससे आपका मोबाइल भी खराब नहीं होगा। सो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि आप सब अपने मोबाइल का DPI कितना रख सकते हो ताकि आप सब OP से OP लेवल हेडशॉट मार सको एंड आपके मोबाइल को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि आपका मोबाइल खराब हो या फिर आपका मोबाइल रीसेट लग जाए। सो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले तुम्हारे इस भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब चैनल पे न्यू आए हो एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, वरना इस तंत्र को ढूंढते हुए आओगे। एंड इस वीडियो का मोटिव है कि आप सबको अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग परफेक्ट DPI का अमाउंट बताया जाए। सो जो DPI मैं आप लोगों को बताऊंगा वो DPI 100% सेफ एंड यूजफुल होने वाली है। लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि DPI को कैसे यूज किया जाता है। सो पहले तो मैं आप लोगों को DPI को इंट्रोडक्शन दे देता हूं। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंचेस। हिंदी में बात करूं तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ पॉइंटर्स होते हैं एंड वो पॉइंटर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, बट जब हम DPI इंक्रीज कर देते हैं तो वो जो पॉइंटर्स होते हैं वो पास पास आके उनका जो नंबर्स होता है पॉइंटर्स का वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपका जो मोबाइल का विड्थ है वो इंक्रीज होता है एंड ज्यादा पॉइंटर्स होने के कारण मोबाइल का रिस्पांस पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये सब मैंने आप लोगों को मोबाइल के लिए बताया था, बट अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ DPI का यूज गेम के अंदर किस लिए किया जाता है एंड इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपके गेम का सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगा एंड सेकंड आपका जो मूवमेंट स्पीड होता है वो सेंसिटिविटी इंक्रीज होने के कारण वो और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। एंड थर्ड आप लोगों का जो ड्रैग होता है वो OP लेवल का होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी ड्रैग करते हो तो आप सबको एक अच्छा खासा ड्रैग मिल जाएगा, जितना ड्रैग आप लोगों को नॉर्मल DPI से कभी भी नहीं मिलेगा। सो गाइज मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि DPI को यूज करने की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला तो आपको DPI को लिमिटेड अमाउंट में यूज करना है, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही DPI को 900 से ज्यादा कर दिया तो आपका मोबाइल रीसेट भी लग सकता है एंड ये चीजें बहुत सारी रेयर चीजें होती हैं एंड कम चांसेस है कि आपका मोबाइल रीसेट होगा, बट इतना DPI यूज करने के कारण आपका मोबाइल रीसेट हो भी सकता है। तो जब भी आप DPI इंक्रीज करो तो शुरू में आप लोगों को 100 DPI ही इंक्रीज करनी है। आपको अपने मोबाइल का DPI 100 इंक्रीज कर देना है, इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपका जो मोबाइल है वो DPI को अफोर्ड करता है या नहीं करता है। एंड इसका सेकंड लिमिटेशन ये है कि आप सबको DPI परमानेंट यूज करना है। अगर आप इसको रोज चेंज करोगे तो आपके मोबाइल में मिनिमाइज प्रॉब्लम आ सकती है एंड आपका मोबाइल स्लो प्रोसेसिंग भी दे सकता है, बट इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, परमानेंट DPI यूज करना। तो हमेशा जब भी आप लोग DPI यूज करो तो DPI को हमेशा परमानेंट यूज करना। सो अभी स्टार्टिंग करते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की, कितना DPI आप लोगों को यूज करना चाहिए। सो अगर आप सबको अपना मोबाइल गेम से ज्यादा ही प्यार है तो आप लोग मजे में गेम प्ले करते होंगे एंड आप लोगों को गेम से इतना ज्यादा प्यार नहीं है कि आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा भी हार्म दो, तो आप लोगों को क्या करना है, अपना जो मोबाइल है उसका जो डिफॉल्ट DPI होता है उसके अंदर अपना जो DPI है उसको 100 प्लस कर देना है। लाइक अगर आपके मोबाइल का डिफॉल्ट DPI 360 है तो आप उसके अंदर 100 ऐड कर दोगे तो आपका जो DPI हो जाएगा वो 460 हो जाएगा एंड आप सब 460 DPI इजीली यूज कर सकते हो। एंड इतनी अमाउंट में DPI यूज करने से ना तो आपके मोबाइल को कोई प्रॉब्लम होगी एंड आपका जो गेम प्ले होगा वो भी स्मूथ होगा। बट फ्रेंड्स अगर आप सब गेम के अंदर तगड़े वाले हेडशॉट मारना चाहते हो तो 100 DPI इंक्रीज करने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को जो अपना DPI है वो और भी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। बट कितना DPI आप लोगों को इंक्रीज करना है अपने मोबाइल की रैम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। लाइक अगर आपके पास 3GB या फिर 4GB
जीबी रैम वाला मोबाइल है तो आप सबको अपना जो डीपीआई है वो 360 टू 500 के बीच में रखना चाहिए। बट अगर आप सब 6GB से 8GB यूजर हो तो आप लोगों का जो डीपीआई का अमाउंट है वो 500 से 600 के बीच में हो सकता है। बट अगर आप सब डीपीआई को इससे ज्यादा एक्सीड करोगे तो आप लोगों के मोबाइल में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो डीपीआई मैंने आप लोगों को अभी बताया है अगर आप लोग उसका यूज करते हो तो आपको मोबाइल भी सेफ रहेगा एंड आप लोगों को स्मूथ गेम प्ले भी मिलेगा। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए।